सुंदर है। अच्छा आपको क्या फीलिंग आ रही है इस बार? हेमंत से अलग है, सेम है? मेरे को अंदर से 110% लड़की भैया अंकल जी के पूछो तो आप बताइए। मेरे हिसाब से लड़की। आगे बोलो बेबी बॉय। अरे अंकल जी, तो अंकल जी आप हमारे फेवरेट हो गए, आपको पता है। बोल क्या बोल? देखो मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, बेबी तुम बेबा हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक। हम लोग हो चुके हैं तैयार, चले। हाँ हम लोग हैं तैयार। दीदी आजा, मेकअप देखो। टॉफी चाहिए? क्या हुआ भैया? कह रहे गेट वो है। जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर कुछ कहने का, और आज मैं आप सबके सामने अपने दिल से हेमंत के लिए कुछ लाइन कहना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले श्याम बाबा को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके बिना कुछ संभव। प्रण करें कि हर चुनौती हर कोई चाहता है ना इस मोमेंट को याद, सभी चाहते हैं। भाई साहब मतलब इतने खर्चे जेठू भैया के, जेठू भैया आपको मतलब 21 नहीं 51 तोपों की सलामी। ओ भाई साहब 51 तोपों की सलामी के नाम पे जेठू के नीचे बैठ गए पहले, ऐसे अभिनंदन करूंगा मैं। शाम समय में अब मैं जोर जोर कहूंगा, मैं जोर का गुलाम सिंगल ऑफ यू बन के रहूंगा। ऐसी कोई चीज है, बाकी सब थीम के हिसाब से, वो एक ही चीज है जो थीम के हिसाब से नहीं है, उसमें आपका गीत मुझे नहीं पता, आपको ढूंढना पूछो मैं। चलो हेमंत आगे आके देखो, आगे आके वो डिफरेंट है। सुना दो खोली, गाना लगेगा फिर चलेगा। अच्छा अरे काम करो, हेमंत के लिए हेमंत सुन ले अपने दिल से, है ना हेमंत? सुन लेना बेटा है, अब खूब डांस करना है। मैं यहाँ बैठी रहूंगी, तुम सब डांस करना, तुम लोगों को देखना, मैं बहुत बुरी तरीके से। हाँ नहीं ज्यादा मत थकाओ अपने आप। अच्छा आपको क्या फीलिंग आ रही है इस बार? हेमंत से अलग है, सेम है? मेरे को अंदर से 110% है कि मेरी लड़की बोलो मेरा अंदर से। मेरी
भैया आपसे जानना जरूरी है कि भाभी को क्या होगा, बेबी गर्ल और बेबी बॉय। आदर्श
बेबी गर्ल होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तालियां बजा दो जो बेबी गर्ल चाहते हैं। देखो भाई शोर नहीं आ रहा उधर से, तो मजा नहीं आ रही है यहाँ पे पूछने में कुछ भी। तो बेबी गर्ल जिसको जिसको चाहिए वो एक बार जोरदार तालियां बजा दे। चिल्लाएगा कौन? बट मेरे को लग रहा है दो ही था आएगा। दो ही पूछते क्या है? नहीं मैं नहीं जा सकता क्या? मैंने बोला दो ही थी यानी मैं दो ही था। हाँ लड़की 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 तो अंकल जी चाहते हैं कि लड़की हो जाए। जोरदार ताली हो जाए अंकल जी के लिए भैया। गर्ल्स हाँ एक ही दो नहीं। भाभी इधर से डिमांड ज्यादा आ रही है। भाभी भैया कह रहे गर्ल्स चाहिए उन्हें गर्ल चाहिए। ये कमर सामने सबसे अलग है हमारे घर में तो आपको घर बने चाहिए। लड़की मेरे दो लड़के हैं। अच्छा भाभी की लड़की चाहिए लड़की भैया आपके हिसाब से बेबी बॉय भैया शर्मा के बेबी बॉय। अरे अंकल जी आप हमारे फेवरेट हो गए। आपको क्या चाहिए बेबी गर्ल या बेबी बॉय? लड़की लड़की देखो मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। बेबी बेबा हुआ घर बैठे तालियां बजा दो भाई। अंकल जी आप कहाँ जा रहे हो? आज क्या पूछा मैंने? नहीं बैंक नहीं पूछा मैंने। भाभी को लड़की होगी या लड़का? बैठो जी बैठो। हिंदी में बोलिए। अच्छा अच्छा दीदी दीदी आपको क्या लगता है भाभी को लड़की होगी या लड़का? लड़की ज्यादातर वोट की लड़की कह रहे हैं। आंटी जी मेरी स्माइल है आपकी लड़ी से स्माइल के साथ बता दीजिए लड़की चाहिए या लड़का? जहाँ तक तेर में लेके है जो नहीं एक बताना पड़ेगा। देखो भगवान ने बच्चे अच्छे अच्छा लड़की है लड़की चाहिए था कितना ही चाहिए चलो भगवान। चलो आंटी को भी लड़की चाहिए। आंटी अरे आंटी सारा दिन में मैं आंटी का डांस किया था। आप पहले ये बताओ सत्ता भाभी को लड़की होनी चाहिए लड़का? मुझे तो भतीजी चाहिए। पितर तो कौन बोल रहे लड़की चाहिए ना सामने आओ। अब आप बताओ आपको लड़की चाहिए लड़का? मैं तो बहन चाहिए। बहन चाहिए चलो ठीक है। नानी नानी दीदा भाई आ जाए तो मामी से दोबारा ट्राई करना बहन भी चाहिए। एक बात सच है मतलब सरिता भाभी की तारीफ हर कोई करता है पर सरिता भाभी से सुंदर उनकी मम्मी है ये सच है ना? अरे तो पापा भी सरिता भाभी से सुंदर मम्मी है और जेठू भैया से सुंदर पापा जी है तो एक बार जोरदार तालियां दें मम्मी और पापा के। मेरे को तो लड़की चाहिए। वो मना कर रहे हैं ये कह रहे लड़की चाहिए क्या कह रहे बताओ। उम्र में लड़की लेके आ गए।
गलती से नंदा हो जाए तो एक ट्राई और सही ननन चाहिए तो चाहिए नंदी चाहिए सुंदर तारीफ निकल नहीं रही है पर बहुत सुंदर सचिन भैया को गेटू भैया बुला रहे हैं जहाँ कहीं भी हो जेठू भैया के पास आए सचिन भैया अब बताइए तो लड़की चाहिए लड़का ननन चाहिए ननन चाहिए अब बताइए तो लड़की चाहिए लड़का 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 चाहिए देखो लास्ट अभी लास्ट आपका हो गया आप तो नहीं पूछोगे पूछिए तो शायद अभी सब कंप्लीट हो गया सबसे पूछिए अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर लड़की या लड़का सरिता भाभी से चलो हम बता देते हैं इनको भी बहन चाहिए सरिता भाभी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अभी सबसे पूछ ये ब्लॉग में पता चलेगा वो ब्लॉग देखिए अभी कैसे होगा अरे से ब्यूटीफुल से कपल से जो हमारे अमित भैया को तो हर कोई जानता होगा हर फंक्शन में आपको दिखेंगे हमारे जेठू जी के बेस्ट फ्रेंड तो बेस्ट फ्रेंड और भाई दोनों एक ही स्टाइल से तो आपको क्या लगता है क्या चाहिए आपको सरिता भाभी से बेटी या बेटा भैया बेटी दोनों की डिमांड बेटी पे तो आपको बच्चा है फिर दोनों बेटियां हैं चलो तो आप एक बेटा कर लो एक बेटी कर लेंगे तो चलो पूछते हैं शीतल दीदी से सुंदर तो ये है इनकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है तो आप अपने सुंदर सुंदर लफ्जों से क्या बोलना चाहेंगे इनको क्या होगा सर जब आपको बेटी या बेटा देखो बेटा तो है ही अब तो बेटी चाहिए चलो दीदी को भी बेटी चाहिए तो शायद बेटी ही होगी अरे अभी वोट करवाएंगे ना आपको क्या लगता है बताइए जिंदगी भर का सवाल है और इसका आंसर एकदम राइट आना चाहिए बेटी चलो देखते हैं क्या होता है दीदी दीदी के साथ आई शीतल दीदी की बेस्ट फ्रेंड भी और बहन भी दोनों रिश्ते मनाती है शीतल दीदी से तो इनसे भी जान लेते हैं कि इनको क्या लगता है कि क्या होगा तो अब तो लगता है चाहे लड़का हो चाहे लड़की होनी चाहिए डिमांड है तो कसम से बोलती है जो मैं प्रेगनेंट हुई थी सबने में भी यही देखा कि मेरे जो भी हुआ है लेकिन मैंने डॉक्टर से ये पूछा मुझे सुंदर तो ही है ना कुछ भी सपने में भी मैंने यही पूछा जो
अब जब नहीं यहाँ पे अभी जब सोने से हमारी तरफ छूट है ना, हमारे यहाँ थोड़ा कल्चर सा लगता है हमारे यहाँ तो। हम लोग पहुंच गए होटल। दीदी हर ने एंजॉय कर लिया, अब ये समेटेंगे अपना सामान। लिख रहा हूँ ना, क्या कर रहे हो दीदी? अब जो फैला पड़ा है ना दिखाओ किस लिए का? फोन शुरू कर दे, कह रही हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, हम जी। और मेरी सेविंग हो गई है पूजा के डंडे से। फाइनली कितने दिनों बाद? अरे पता तो आता है यार, जरूरी हर बात उतरी। कितने दिन बाद में मैं पूछ रही हूं। सो कैसे हैं गाइस आप सब? हम जा रहे थे एक ऐसे शहर में, वहां पे पता नहीं बीच में क्या हुआ, वो मैं शूट करने भूल गई। सारी हवेलियां ही हवेलियां थी दिखाने। और उससे पहले दिखा देती हूँ अपना मेकअप थोड़ा सा, जो मैंने सुबह का करा था, सुबह से करके अब तक चली और अब तक देखिए कैसे ब्लश कर रहे हैं मेरे गले। मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने ये मेकअप करा था, जो अभी थोड़ी उदास सी बैठी है। थोड़ी उदास नहीं, मेरा ना बहुत मूड खराब होता है कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर हैं, इतने सारे लोग हैं, हम लोग भी मेकअप करने जाते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम सबकी डालते भी बिफोर आफ्टर सबका ही डालते हैं, लेकिन जान जान के ऐसे कमेंट करने हैं या पता नहीं करवाने क्या। भाई एक बात बताओ, किसी की स्किन ऐसी होती है कि जैसे जैसे बड़ा होता रहता है स्किन चेंज होती रहती है, किसी की मैच्योर होती है। हम मैं भी हूँ, मेरे इतने ओपन पोर्स हैं, वो फोटोज़ में नहीं दिखते। सबके प्रॉब्लम होती है, किसी को इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स होंगे जिसकी कोई हद नहीं है, किसी को पिगमेंटेशन होती है, और थोड़े बहुत पिंपल्स। यार दो तीन दिन से हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो पिंपल्स तो होते ही है, कमेंट देख लो उनके कैसे कैसे होंगे। कोरियन ट्रीटमेंट का क्या हुआ भाई, सर्जरी थोड़ी ना करवाई है उन्होंने, वो सिर्फ एक ट्रीटमेंट था। पता नहीं क्या क्या कमेंट करते हैं लोग ऐसे गंदे गंदे। ये रही पिंपल वाली लड़की, पिंपल वाली लड़की। और ये रही क्या ना, काफी टाइम से बता दूं इसके प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी हार्मोनल इम्बेलेंस की, तो जिसकी वजह से ना उसके यहाँ पे पिंपल्स आते हैं। मतलब जिनको ये दिक्कत होगी उन्हें पता होगा कि उनके यहाँ पे पिंपल्स आ जाते हैं। भाई देनी तो किसी है, छोड़ो क्या डार्क सर्कल सब कुछ होंगे, क्या दिक्कत है। देखो आप क्या कहेंगे मिस्टर डेढ़ा जी इस बारे में? आउट ऑफ सब्जेक्ट
अबरा कह के छुट लिए आउट ऑफ सब्जेक्ट। बरखाई दिन इनका मेकअप करना, फिर कहेंगे हमारे जैसे बना के दिखाओ। जब वीडियो बनाएंगे ना तब मेरे को बुलाना भैया, उसको मेरी खूब बेइज्जती मारेंगे मेकअप आर्टिस्ट। ऐसा करते हैं मेकअप आर्टिस्ट को ज्यादा ट्रोल, सारे लोग बस ऐसी वीडियो भेजते रहते हैं कि तुम लोगों को श्राप लगेगा पार्लर वालों को मेकअप आर्टिस्टों को। ऐसा कुछ नहीं होता यार, हमारा काम है जितने आप सुंदर हो उतने सुंदर दिखोगे मेकअप के बाद। मेकअप होता किस लिए? और फ्यूचर इनहेंस करने के लिए बस। मेकअप होता है करने के लिए, जो कि हम करते हैं। अपने लिए बोला था कि इसको लगाओ डाइपर, चिप्स खाकर आज पीछे वाले ने हाल करवाना होता कह रहेगा तू अभी कर के खाली कर। मेरे लिए ना स्पेशल फ्रेग्रेंस वाले आगे डाइपर, ताकि तू उनमें छोड़ता रहियो और आगे बाद फिर महक जो खुशबू वाली फैलती। कुछ कहना चाहो? नहीं, डाइपर मुंह बता के मारोगे सबके, जेली सी निकलेगी और जेली सी। सफेद कुत्ता क्या रही है? सफेद कुत्ता खराब लगे, खराब मैं बोल रही हूँ। ज्यादा डाल दो तो कोई कहेगा सफेद कुत्ता की बिल्कुल पुताई सी कर दी फेस पे। सफेद सही था ना, नया नाम रखवा लिया सफेद कुत्ता। कोई कह रही ना जबरदस्ती चार बार बोल के कहवाइए। मैच करो सफेद की जगह ना धोला कुत्ता कर दो, ब्लैक ही रख दो नाम, ब्लैक ही, ब्लैक डॉग, ब्लैक। तो भैया चले, बहुत देर हो गई थी और इसने खा के चिप्स हमारी कर दी हालत खराब। इसको लेके जा रहे हैं वॉशरूम पेट्रोल पंप पे। पापा 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 बेटी पापा प्यारी पापा प्यारी ओले 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 आता पापा में बहुत प्यारी आ रही है निकाल लिया हम थोड़ा घुमा ले अभी हवा में जा गोदी में जा गोदी में। वहाँ दीदी खड़ी है मिकी के इंतजार में और यहाँ खड़े हैं खेल रहे हैं जिनू और उसके पापा। तो हम लोग चल लिए वापस और अब मिली सबको चैन की राहत और मिकी को भी मिली, मिकी को मिल गई तो अब सबको मिल जाएगी चिप्स खाने में। अरे मांडा वही जगह जहाँ से राशि 2 साल पहले भगी थी, 2 साल नहीं 4 साल, 4 साल पहले भगी थी। क्यों भगी थी राशि? मांडवा 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 ये भूतिया जी गई। भूतिया जी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ के क्या नहीं रुकना चाहिए, एकदम सुनसान खाली सुनना सपट। एनिवर्सरी पे आए तो मैंने वापस लेगी फिर यहाँ से जयपुर। सोनू शादी पहले एक बात है हाँ। जो हमारा चीकू आया और पता क्या था दिखा सी कैमरा वो तुम ही रहोगे लैम लाइट में, हम ना रहो बिल्कुल भी। बोलो पता क्या था, मांडवा में हवेलियों से डर रही थी तो मेरा समझ में आया चलो हवेली से डर रही है, एक से डर रही, दो से डर रही, तीन चार हवेलियों से डर रही, उसके बाद नॉर्मल रिजॉर्ट से डरी, रिजॉर्ट के बाद नॉर्मल होटल से डरी, तो वो डर अजीब ही था। रात को 10 बजे वापस भागे और हम फिर पहुंचे जयपुर। बारिश होने लगी रास्ते में बहुत तेज। 28 जनवरी की याद है ऐसा होने वाला ना आज ये नोट्स। मुझे 28 जनवरी नहीं 27 ही 26 ही। भैया पूरे उखाड़ के ले चले, हमें 2 अक्षर और जोड़ने तो दीदी अभी हमें चले देर नहीं हुई थी, ये लोग गोलगप्पे खाने भाग गए, अभी गोलगप्पे खा के आ रहे हैं वापस। दीदी गेट खोलना उधर से, ये टाइम कम ले रहा है यार, ये मैं अभी दूसरा रास्ता देख रहा हूं। क्या हुआ निकी का ना, क्या हुआ खाना, क्या हुआ? मैं बात नहीं कर रही, मम्मा तेरे से कर रही, दोनों से बात नहीं कर रही। जाओ प्लीज प्लीज
नीचे बैठो वाली टॉफी दे दे मम्मी को टाइम लगवाया ना।